अच्छा आई लाइक कॉफी विद मिल्क. यू लाइक कॉफी विद मिल्क. वेलकम वेलकम ब्रदर केव. या थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अच्छा तुम भी आ गए. अरे दो दो स्पाइडरमैन. क्यों नहाई? क्यों नहाई? क्यों नहाई? यस तो नहीं नहाने का. वेलकम. हां थैंक यू. या या इट्स माय फर्स्ट डे. हां फर्स्ट टाइम फॉर मी. या चलो तो नहा लिया है, तैयार हो चुके हैं, वक्त हो गया है थोड़ा बाहर निकलने का, बाकू की गलियां देखने का. बाय. हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. ये है सेकंड वीडियो अजरबैजान सीरीज का और बस अपने हॉस्टल से निकल पड़ा हूँ घूमने फिरने. और आज तो मतलब कुछ घूमना फिरना नहीं, अट्रैक्शंस कुछ नहीं देखने का शौक है. बिकॉज थका हुआ हूँ तो ज़्यादा नहीं घूमूंगा, नॉर्मल सा जो है वही सब देखूंगा, लोगों को परखूंगा. हाय देखा लोगों को परखना स्टार्ट हो गया, मतलब आप समझ सकते हो. और सबसे पहले कुछ भी करना है ना, मेरे को करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, मेरे को US डॉलर से मन्नत लेना पड़ेगा. तो पहले अपन कोई बैंक में जाते और मन्नत ले लेते, फिर आगे की बात आगे की है ना. Salam guys. Salam. How are you? Hola. From Azerbaijan. So good. Hello. Boy. Hello. Good luck, bro. Thank you, man. Good luck. Still good. Still good. Okay. Bye. Bye bye. अभी हॉस्टल से नीचे उतरा ही नहीं हूँ कि हाय ने हेलो ने हो ने हाँ चालू हो गया हाँ लोगों का. आया हूँ मैं कैपिटल बैंक में, ये आप पढ़ सकते हो. क्यों? क्योंकि करेंसी एक्सचेंज करने के लिए $100 दिया है, उसका पता नहीं कितना मनात आएगा, जितना भी आएगा अच्छा आएगा. क्योंकि एयरपोर्ट पे मैंने $20 का एक्सचेंज कराया था, उससे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, ये पक्की बात है. थैंक यू सो मच. कितना आया? 169.70. हाँ सही रेट है, मेरे को ये एयरपोर्ट पे मिला था 163 के रेट में, तो उससे तो ये बेटर है. ये देखो ये 100 मनात, एक मनात इज इक्वल टू 46 रुपीज़ इंडियन करेंसी में. तो ये 100 है, ये 50 की नोट है, ये क्या है 10 है, ये 5 है, बढ़िया है. यहाँ के बैंक कितने क्लास है यार, मतलब बहुत पुराने स्टाइल में, पुराने इन द सेंस काफ़ी पुराने ये बिल्डिंग है. जस्ट लाइक रशिया, आपको सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह याद रहेगा, वो जो कंस्ट्रक्शन है सेम, तो वैसा ही है यहाँ पे भी. और अच्छा लगता है, मतलब दिल को सेटिस्फाई करता है ऐसा. आप कलर कॉम्बिनेशन हो गया, लाइटिंग इफेक्ट देखते हो, या फिर एक जो चौड़ाई वगैरह देखते हो ना, भीड़ नहीं होती है और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर गर्मी है तो ठंडी, ठंडी है तो गर्मी करो, तो इसे अच्छा लगता है. तो गाइज मेरे को पता नहीं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, आई रियली डोंट हैव आइडिया. मैं सिर्फ नीचे उतरा हूँ और सैर सपाटा करने निकला हूँ. लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ बाकू के बारे में, अजरबैजान के बारे में, कि अजरबैजान ये जो बाकू सिटी है ना, ये दुबई है कॉकेसस रीजन का. जैसे मिडल ईस्ट का दुबई कैसा एकदम धनी है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें बेस्ट है, वैसे कॉकेसस रीजन में आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, या अजरबैजान हो गया, ये सब कंट्रीज पड़ती है, उसमें सबसे धनी सिटी यही है बाकू. इसके पास बहुत पैसा है, मतलब अजरबैजान खुद इतना इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपना मिलिट्री में. तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरी सेंट पीटर्सबर्ग की वीडियो देखी है, मॉस्को रशिया की वीडियो देखी है, तो जाहिर सी बात है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी आपको याद दिलाएगा. बिकॉज ये भी सोवियत का हिस्सा था ना अजरबैजान, 1920s में ये सोवियत का हिस्सा बना, 1990s में अलग हुआ, लेकिन जैसे हिस्सा बना तो जो भी सोवियत सरकार थी, जो रशिया, वो लोग ने काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिटीज़ में ना काफ़ी धूम मचा के कंस्ट्रक्शन किए थे, जिसके वजह से बहुत मजबूती वाले कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी शानदार है. इनफैक्ट 1930s में यहाँ पे मेट्रो की शुरुआत हो गई थी बनना. हालांकि बात ये अलग है कि 1960 में पहली रूट चालू हुई, मतलब 30 साल लग गए थे, क्योंकि लिए बहुत अंडरग्राउंड बनाते हैं मेट्रो, और उस टाइम इतना मैनुअल वर्क ही होता था, वो कोई मशीनें नहीं होती थी, ले बड़े बड़े ड्रिल बना के यू नो मेट्रो के लिए गुफा बनाना, वो पहले आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था. 1960 से पहली लाइन चालू हो गई थी. आज की तारीख में बाकू में 3 लाइन है मेट्रो की, जो कि पूरा तो कवर नहीं करती है बाकू सिटी को, लेकिन कवर कर देती है. वैसे भी बाकू सिटी बहुत छोटा है, तो तीनों रेल रूट मिला के, तीनों मेट्रो रूट मिला के 36 किलोमीटर ही होता है, ज्यादा है नहीं, मेट्रो बहुत कम है, लेकिन इन लोग के लिए काम चल जाता है.
तो गाइज ये है निज़ामी स्ट्रीट ऑफ बाकू अज़रबैजान, जो एकदम फेमस है। मतलब यहाँ तो आना लाजमी है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल होता है ना, चाहे कोई भी टाइम हो, मतलब अगर दोपहर है, इस वक्त दोपहर है, फिर भी आप देख लो कितनी प्यारी लग रही है। जब शाम हो जाएगी तो और प्यारी लगेगी, जब रात होगी तो और प्यारी लगेगी। ये स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सच में कमाल है। जब लाइटिंग्स वगैरह लगेगी ना गोल्डन, ये सारे स्ट्रीट लैम्प्स पे, या फिर हो गए छोटे छोटे पब्स क्लब्स यहाँ पे है, तो काफ़ी शानदार सा अनुभव होता है। और स्पेशली एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैप्स में आप कुछ देखते हो और वो यहाँ पे नहीं मिलता है एड्रेस, तो कृपया आपने मुंडी नीचे भी रखना, क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड भी काफ़ी सारे स्टोर्स है, जो बोर्ड ऊपर नहीं है नीचे ही मिलेंगे। तो कृपया करके नीचे अंडरग्राउंड में भी देखा करना, ताकि के आपको सारी चीज़ें मिले जो भी आप ढूंढ रहे हो निज़ामी स्ट्रीट में। ठीक है, मजा आ गया भाई, एकदम दिल खुश हो गया। तो ये भाई जी है पाकिस्तान से, लाहौर से, राइट? मनान जी, मनान जी और ओमामा जी। अच्छा लगा मिलके, ये राइड कर रहे थे, मिलके अच्छा लगा। बहुत पसंद है। अरे वाह, इंडियन खाने भी बहुत पसंद है। हाँ, इंडियन फूड तो मेरे को जितने भी पाकिस्तान से मिले ना दूसरे देशों में, सब तारीफ करते हैं, ये बात पक्की है इंडियन फूड की। ये मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो इन्होंने देखा कि मैं व्लॉग कर रहा था, आई मीन हिंदी एक दूसरे को पहचान जाते, इन्होंने कहा वीडियो ले लो, तो मैंने कहा कि ठीक है आपका ले लेता हूँ, फिर मैंने कहा मेरे को भी राइड करने दे दो, तो इन्होंने दे दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, ये भैया तिल के लड्डू, अरे वाह। लेकिन हम यहाँ आए हैं कॉफ़ी पीने। डज इट टेस्ट गुड? डज इट टेस्ट गुड अमेरिकानो? फॉर मी नो। नो? देन व्हाई यू आर मेकिंग? कैपुचिनो। यू डोंट लाइक कैपुचिनो? अच्छा, यू लाइक कॉफी विथ मिल्क? ओह, देर आर फ्लेवर्स, व्हाट आर द फ्लेवर्स? कैरामेल, या कैरामेल इज परफेक्ट। अरे वाह, अपने इधर तो सिर्फ शक्कर डालते हैं कि कितना चम्मच, एक चम्मच, दो चम्मच, इधर कैसा है पता है? फ्लेवर है शक्करों का, मतलब कैरामेल सिरप या फिर कौन से समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को, कैरामेल ही पता है, इसलिए वो यहाँ बोल दिया जयराम जी की। ये मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कि यू आर ब्यूटीफुल एंड आई होप टू सी यू सून, जब भी मीटअप का मौका मिलेगा। ऐसे तो करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जब मैं वियतनाम से दिल्ली आया था तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह स्टोरी डाल के मिला भी था लोगों से, है ना? तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, वो मेरी गलती तो नहीं है ना यार, इंस्टाग्राम में लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं यार, समझा करो। मस्त है ना ये अर्बट स्ट्रीट जैसे दिख रहा है, स्ट्रीट निज़ाम स्ट्रीट, मेरे को बहुत प्यारी लगी एकदम। जो मॉस्को में था ना अर्बट स्ट्रीट, जहाँ पे मेरा स्टे था, एकदम वैसा ही है, लाइवली भी उतना। अरे ये क्या, स्पाइडरमैन घूम रहा है, इसके मास्क को क्या हुआ, फट गया पीछे से? अरे रे रे, ठीक है चलो कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइवली है, माहौल बहुत अच्छा है यार। या हाय, अच्छा वो बोल रहे हैं तुम भी आए करो, हाय कर लो, ये भी आए करो, चलो सब आए करो, हाय हाँ करो। यू फ्रॉम, वेर आर यू फ्रॉम? अजरबैजान। अच्छा लोकल, ओके बाय बाय ना दे बाय द। अच्छा ऐसा क्या, अच्छा ये भी करूँ, अच्छा और ये भी करूँ, अच्छा ये भी करूँ, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, अच्छा अच्छा, ओ ये ओके बाय। ये करने वो करने, मैं कह रहा हूँ कि बाकू में लोग भी थोड़े फ्रेंडली है, अच्छे लग रहे दिखने में तो, अच्छे है ये दिखने में नहीं, आई मीन व्यवहार में। कट करो इसको, कट करो। मैं कह रहा हूँ कि मतलब व्यवहार में अच्छे है, फ्रेंडली नेचर के है। आज भले ही मेरा पहला दिन है तो एकदम अच्छे से जज नहीं कर सकता हूँ कि ले पहले दिन अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हाँ मैंने बोल दिया कि लोग अच्छे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तो अच्छा लग रहा है बाकू एज ऑफ नाउ। अच्छा अच्छे से याद है कि मेरा ये ब्लैक टी शर्ट देखा कि नहीं, ये चश्मा ऐसा लटक रहा है इसलिए देखा नहीं रहेगा, मस्त है ना ऐसा। ये देखो ये रहा मिकी माउस, और इससे बेहतरीन देख लो ऐसा सब है ना टी शर्ट पे दोनों स्लीव्स में, ऐसा भी इतना अच्छा टी शर्ट है कि क्या बोले यार, तो दिखाना तो बनता है। ये भी तारीफ कर रहे हैं,
माय नेम प्रतीक प्रतीक जैन प्रतीक जैन वेलकम वेलकम प्रतीक जैन या थैंक यू सो मच फ्रांस अच्छा तुम भी आ गए अरे दो दो स्पाइडरमैन टू स्पाइडरमैन माय ब्रदर ओके हाउ आर यू मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है बड़े मजेदार लोग हैं मैं बता रहा हूँ फुल टाइम पास हो रहा है ये स्ट्रीट में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हाँ वेयर फ्रॉम इंडिया यू नो मुंबई यू फ्रॉम हियर ओनली लोकल हाँ अजरबैजान ओ वाओ हाँ थैंक यू या या इट्स माय फर्स्ट डे या फर्स्ट डे टुडे इज माय फर्स्ट डे या नंबर वन स्ट्रॉबेरी कॉकटेल स्ट्रॉबेरी नंबर वन हाँ वाओ थैंक यू Which color? Blue. Blue. Yeah. This blue. Yeah. Okay. Which color is it? Blue ke saath yellow free. Yes. Dubai ka vlog dekha mera. Oh, December mein jo kiya tha wo trip. Achha. बढ़िया उसका जो हैक किया था आपने बुर्ज खलीफा का नीचे बुर्ज खलीफा फ्री में जाने का वो वीडियो भी देखा हुआ है आप कहाँ से हो बांग्लादेश से हो अच्छा बढ़िया बढ़िया चलो मिलके अच्छा लगा क्या नाम है आपका फरहान भाई ओके बाय कितना मेकअप करोगी मैडम बस करो सो मतलब ऐसे ही बाहर घूम रहा था बाहर के नज़ारे देख रहा था जो कि बहुत ही शानदार है मतलब तारीफ कर करके थक गया तो किसी चीज़ ने मेरे को खींच लाई वो है खुशबू यहाँ की आप देख सकते हो एक से एक परफ्यूम्स दिखेंगे आपको और ये जो क्या नाम है आपका क्यों नहाई तो नहीं नहाने का क्यों नहाई तो इन्होंने मेरे को बताया कि हमारे इधर ना ये स्पेशल है और इसी की जो फ्रेग्रेंस है आपको दूर से खींच लाई है तो इन्होंने मेरे को सुंघाया ना मज़ा आ गया मैंने कहा कि रेट क्या है तो इन्होंने कहा कि छोटा बॉटल जो है इत्र की बॉटल में कहाँ गया छोटा बॉटल हाँ ये रहा इसमें अगर भर के चाहिए तो 10 मनात का है मतलब 450 इंडियन रुपीस का होता है बाको परफ्यूम शॉप ये कहाँ है अच्छा फ्री वन एक पे एक फ्री है क्या अच्छा दैट्स नाइस ये तो लास्ट में बताया वो भी मैंने पढ़ा चलो कोई नहीं अच्छा लगा बाको परफ्यूम शॉप ओके दिस निज़ाम स्ट्रीट आप देख लो अगर आपको परफ्यूम वगैरह का शौक है तो ये आप देख लो सामने ही है मैकडोनल्ड्स हाँ वो रहा मैकडोनल्ड्स के जस्ट सामने है ये रहा ऐसा बिल्डिंग है ठीक है हाँ या यस रोमांस ओके या मैंने कहा कि 10 दिरहम्स अरे दिरहम्स नहीं 10 मनात का एक पे एक फ्री है ना तो 5 दिरहम का एक ही दे दो नहीं चाहिए मेरे को एक ही दे दो तो 5 दिरहम का मैं ये ले रहा हूँ एक अरे भाई 5 मनात दिरहम नहीं मनात थैंक यू सो मच ओके थैंक यू बाय पता है ये सब जगह की खास बात क्या है खास बात यह है कि अभी बज गए हैं रात के 8:30 जी हाँ 8:30 PM हो चुका है टाइम फिर भी आप देख लो एकदम उजाला ही उजाला अंधेरे का तो नाम ही नहीं है होगा अभी नहीं तो 3 घंटे बाद होगा एनीवेज ये कह रहा था कि ऐसे ही मैं घूमने के लिए निकला नहीं था जैसे कि पहले ही कहा था ऐसे ही वॉक अराउंड के लिए निकला था मेरे को नहीं पता था फिर भी इतना मजा आ जाएगा मेरे को चेहरा हमेशा ऐसे ही रहा है हंसता हुआ ही रहा है क्योंकि सारी चीजें बहुत प्यारी लगी